नमस्कार। जैसे कि कल हमने आपसे कहा था कि आज हम आपको रूबरू कराएंगे प्रसिद्ध राइटर संजीव भारद्वाज जी, जिनकी नोवेल बैड हैबिट्स आजकल बहुत चर्चा में है और जिन्होंने पूरी दुनिया के नॉवेल्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसने समाज में फैली हुई बुराइयों को खत्म कर दिया है। मैं एक लेखक हूं, मैंने कई किताबें लिखी हैं और पढ़ी भी हैं, लेकिन आज जिस किताब के बारे में आपको मैं रूबरू कराने वाला हूं, उसका सब्जेक्ट बहुत ही अलग है। लत, बैड हैबिट्स, इंजूरियस टू लाइफ। अच्छी आदत और बुरी आदत हर इंसान में होती है, आप में भी होंगी, लेकिन बुरी आदत एक इंसान को किस मोड़ पे लाके खड़ा कर देती, यही बताया है मैंने बैड हैबिट्स। और ये किताब एक सच्ची कहानी पे बेस्ड है। जिन लोगों ने पढ़ी उन्होंने देखा होगा, वो ध्यान से सुने, ये बात तब की है जब मैं 30 साल का था। हम छोरे दिल्ली के आए क्लब में, दो चार बोतल पी के हैंगओवर करने। हम छोरे दिल्ली के आए क्लब में, दो चार बोतल पी के हैंगओवर करने। वीआईपी का पास कटाया, एक गोरी को पटाया, हाथ पकड़कर फूल पिलाया। ओह शिट बेबी, मम्मी का फोन आया। हर्ष। यस सर। गगन। प्रेजेंट सर। आतिफ। यस सर। हर्ष। वो तो बंक पे गया। और ये सुदीप कहाँ है? सर वो भी बंक पे है। अरे यार, ये विक्की और इमरान ने तो हमको भी बंक मारना सिखा दिया यार। लेकिन ये कहाँ है ये? अजय भाई आज बंक मार। सही कह रहा है भाई, क्यों दिन हो रहा है? नहीं भाई बंक नहीं यार। बेटा क्या सोच रहा है इसके बारे में? क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? खत्म कर डाले से आज। मैं रोज रोज का लफड़ा नहीं देखना चाहता। पुलिस का लफड़ा होगा फिर क्या करोगे? पुलिस का लफड़ा होगा तो मैं संभालूंगा। अरे चीखेगी चिल्लाएगी, चीखेगी चिल्लाएगी तो इसका गला दबा दो, तो मन की बात खत्म कर डालो। आपसे चिल्ला ही देता हूँ। ऐसा तो नहीं आती मेरी ऑफिस में आई हो? या फिर जल्दी चली गई हो? देख देख वो आ गया। देख भाई शराफत से रहेगा ना तो बहुत पछताएगा। गाना भी सारे पांच छोटू, एक प्लेट दाल मखनी और 5 रोटी लगा। ठीक है भैया, और कुछ लगाना है? सब अबे स्कूल से घर तो जाता होगा ना? यार भाई कहीं तो कहाँ जाऊंगा यार। भाई हम घर गए तो बस ये भारी सा बैग रखने के लिए, वरना खेलते रहते हैं। अबे साले तेरी तेरे बाप से इतनी फट्टी क्यों है? घर वाले तुम्हारा मुंह नहीं सुनते यार। अबे उन्हें पता है जब भी मुंह सुनेंगे तो साले मुंह से बदबू ही आएगी, इसलिए साले सुनते ही नहीं। लेकिन बच्चा तो बाप बन गया। फॉर जूली आई लव यू। एक बार पिला दे साकी साकी साकी, पीलांगे आप फिर बाकी 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 बाकी। एक बार पिला दे साकी, पीलांगे आप फिर बाकी।
जा कुत्ता। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ऐसी जगह गोली मारूंगा, जिंदगी में जितना आराम का खाया है सारा बाहर आ जाएगा। देखो संजीव, जो भी हुआ गलत हुआ, अब रोने से कोई फायदा नहीं। करोल बाग में मेरा घर है, तुम लोग वहाँ रह सकते हो। हाँ, एक और बात, अगर तुम मेरी बात पहले सुन लेते और नशे की हालत में गाड़ी चलाना बंद कर देते तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं। दोस्तों, अपने देश का रखो मान, मत करो मेहमानों का अपमान। आखिर कब तक होती रहेंगी ये बातें? अगर जितेंद्र शराब पीकर बाइक नहीं चलाता तो उसका एक्सीडेंट ना होता। तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ तुमने रेप किया उस लड़की को एड्स था? ये उसकी रिपोर्ट। मुझे मालूम है तुम अपनी पावर की वजह से छूट सकते हो। तुम्हें कानून सजा दे या न दे, मगर भगवान तुम्हें सजा दे चुका है। बस बहुत हो गया, तुम जैसे हरामियों की वजह से कितनी हजारों औरतों पर अत्याचार हो रहा है। तुम्हारे लालच की वजह से शादी के बाद 40% लड़कियां चलाकर रात कर दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लालच की वजह। सोच, जो तूने इस लड़की के साथ किया वही मैं तेरी बीवी के साथ करता तो तुझ पे क्या बीतती? अब वक्त आ गया है हमारे देश की औरतों को बदलना होगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। टीचर ही स्टूडेंट के कैरेक्टर की नींव होता है। पेरेंट्स के साथ बच्चे उतना नहीं रहते जितना कि टीचर के साथ। माना बच्चे की असली गुरु माँ होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं होती। आप जैसे घटिया टीचर जानबूझकर बच्चों को नहीं पढ़ाते। अगर बच्चा एब्सेंट होता है तो ये आप लोगों का कर्तव्य है कि आप बच्चे को समझाएं। और ये पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है कि वो एक महीने में, हर महीने में स्कूल आए और ये आकर के चेक करें कि उनका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब बुरी आते हैं, बुरी संगतों को छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। ये फुकरापंथी, छिछोरापंथी, ये शराब पीना और देर रात तक घर आना बैड हैबिट्स है, बुरी लत है। इसके बजाय तुमने अपने पापा का साथ बिजनेस में दिया होता और ये शराब पीकर आवारा करती ना की होती तो आज तुम्हारी ना टांगे जाती और ना तुम कर्जदार होते। हमारा नशा, हमारी खुंदस, हमारी कामुकता। हमें क्या पता था? एक दिन इस मोड़ पे ले लड़की से प्यार करता था मैं, लेकिन उसने मेरे प्यार को टुकरा दिया। बहुत मना करने के बावजूद क्या करते, उसका रेप कर दिया। वो तड़पी, चिल्लाई, मजा आया, लेकिन वो मजा कब सजा बन गया हमें कुछ पता नहीं चला। फिर क्या, जेल भी हुई और बीमारी भी। एक तरफ कानून ने सजा दी और एक तरफ भगवान। मैं जूली, बाप ने बचपन में ही पैसों के लिए माँ का गला काट के मार दिया। उसके बाद मोहल्ले के दोस्तों ने ही साथ दिया। इनके लिए कुछ भी करती हूँ। जिंदगी ने मुझे एक बुरी लत दी। जानते हो क्या, पैसों के लिए लोगों से शारीरिक संबंध बनाना। हम वो बच्चे हैं जो लाला के काम करते थे, माँ बाप ने पैसों के पीछे जबरदस्ती हमें भेज दिया। मेरे पापा नहीं है, मेरा चाचा मेरी माँ को पैसे का लालच देकर मुझे दिल्ली ले आया। उसने मुझे एक ढाबे पर रख दिया। वह रोज मुझसे काम करवाता था और काम करने के बाद भी पैसे नहीं मिलते थे, सिर्फ मार मिलती थी। हम लोगों की आपसे विनती है कि हमें काम पर ना रखें। अगर हमारी जगह आपके बच्चे हों तो आप पर क्या बीतेगी? बाल शोषण बंद करें। आप लोगों से विनती है, हमारा बचपन ना छीने, हम भी इंसान, हमें जीने दें। अच्छा भला ढाबा चल रहा था, मेरी गलती यही थी। मेरे ढाबा पर काम करने वाले जितने भी लोग थे सब बच्चे थे। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने वाले तक बच्चे ही किया करते थे। अचानक एक दिन इंस्पेक्टर आया और वो जानवर की तरह मेरे पर बरसा और जुर्म करने लगा। बाल शोषण करना जुर्म है। ये मेरा बेटा है, हम दोनों एक बुरी लत की वजह से यहाँ इस काल कोठरी में जीवन बिता रहे हैं। सोचा था इकलौता बेटा है, कोई करोड़पति बहू ना हुआ, खूब पैसा, बहू भी मिली, पैसा भी खूब बटोरा,
लड़की वालों का घर हट जाया, पैसा खाया। सिर्फ यही तो कहा था, लड़के के लिए कंपनी खोल ली है। दिवाली की रात थी, जला दिया उसको, क्या करता, थप्पड़ मारा था ना उसने मुझे, लेकिन इंस्पेक्टर ने देख लिया, पकड़े गए। जो हमने किया वो आप मत करना। तू आ गया? बेटा मैं कहां से बाहर जाऊं? बिगड़ना कौन चाहता था, लेकिन क्या करता, बचपन से ही बाप की छत्र छाया में जो पैदा हुआ, उन्हीं से सीखा मैंने अय्याशी का पाठ। उस दिन दोस्तों की पार्टी के बाद वो मुझे गुटखा ऑफर कर रहे थे, मेरे लाख मना करने पर भी उन्होंने मुझे गुटखा दिया। मम्मी घर के बाहर जाती थी और शीला आंटी घर के अंदर आती थी, फिर धीरे धीरे आदत बन गई, फिर वही आप लोगों की तरह रोज 20-20 पैकेट। फिर क्या था, दिया जलता रहा, काम चलता रहा। जैसे लोग कपड़े बदलते थे वैसे मैं लड़कियां बदलने लगा। एक दिन अचानक तो खांसी बढ़ गई, बढ़ती गई, फिर एक दिन खून निकल गया। डॉक्टरों के पास गया तो पता चला अल्सर हो गया। और एक दिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे एड्स है। लोग मुझसे घृणा करते हैं, अब क्या है, दिया बुझने को है और सांस रुकने को है। बड़ी तकलीफ होती है, मेरी जिंदगी मेरे इन हाथों में तो नहीं है, मगर मैं आपसे विनती करता हूँ, तंबाकू का सेवन ना करें। अब भी याद है मुझे उस दिन दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के बाद वो सिगरेट पी रहे थे, वो गुटखा खा रहे थे और मुझे भी ऑफर करने लगे, ज़बरदस्ती करने लगा और मैंने पी भी लिया। अगले दिन पान की दुकान के आगे से जा रहा था, सिगरेट पर नज़र पड़ी, खरीदी और पी ली। अगले दिन जब ठेके के सामने से जा रहा था तो दारू की बोतल पर नज़र पड़ी, खरीदा और पी लिया। अगले दिन गुटखे की दुकान के आगे से जा रहा था, गुटखे की पैकेट पर नज़र पड़ी, खरीदा और खा लिया। फिर वही आप लोगों की तरह रोज की आदत। अचानक खांसी हुई और खांसी बढ़ती गई और उस दिन तो मुँह से खून भी आ गया था। डॉक्टर के पास गया तो पता चला लीवर डैमेज हो चुका है, कैंसर हो चुका था और इन्फेक्शन हो चुका था। डॉक्टर ने बड़े ऑपरेशन के लिए बोल दिया, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप लास्ट स्टेज में हो, मेरे पास तब टाइम ही नहीं है, जो मेरे साथ हुआ वो आप ना दोहराएं, हर तरह की बुरी लत से दूर रहे। अब इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास दवाइयों के लिए। करवट लेते समय भी सोचना पड़ता है, काफी अरसा गुजर गया है, ठीक से ना कुछ खाया ना कुछ पिया। मैं
मेरी जिंदगी तो मेरे हाथों से चली गई, लेकिन आप लोगों की जिंदगी अभी भी आपके हाथों में। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से मेरी, किसी भी तरह की बुरी आदत को ना अपनाए। सेव योर लाइफ। हम लोगों के साथ जो हुआ और कुछ लोगों के साथ जो हो रहा है और कुछ लोगों के साथ जो हो सकता है, मेरी तो सिर्फ एक गुजारिश है आपसे कि बैड हैबिट्स, लत इज इंजूरियस टू लाइफ। सेव लाइफ, सेव पार्टनर।